हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक न्यू टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस बीपी और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है, एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे रास के नाम से भी जानते हैं या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक फ्लो चार्ट के हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ए मैकेनिज्म। जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है या ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है GFR ये डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी ऑपरेटस होता है बॉडी में, मींस जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर सेल पाई जाती है, जक्स्ट्रा मेडुलरी ऑपरेटस के अंदर सेल, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, हमारे बॉडी में एक एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन्स होती है जो कि लीवर में सिंथेसाइज्ड होती है और हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, तो जो हमारी एंजियोटेंसिनोजन है उसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे लंग्स से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, कह लीजिए एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये पावरफुल बेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मींस वेसल्स को बेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मींस उसके डायमीटर को कम कर देता है। इस वजह से जो हमारा बीपी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मींस जो यहाँ डिक्रीज था वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। देन सेकंड काम क्या करता है, जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है वो स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसे स्टिमुलेट करता है, वहाँ से एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेट होता है, मींस एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को डीसीटी में इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है और बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है, मींस नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से बीपी मेंटेन होता है। थर्ड पॉइंट जो है, जो हमारा बीपी है मींस ब्लड प्रेशर, जैसा कि आपने देखा बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा एल्डोस्टेरोन के द्वारा जो बीपी मेंटेन हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारा जीएफआर होता है वो भी मेंटेन हो जाता है। ओके, तो ये रहा जो हमारा बीपी कम होता है या ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम हो जाता है या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैसे बीपी मेंटेन होता है आपने देख लिया। अब सेकंड हम ये डिस्कस करेंगे कि बीपी अगर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जीएफआर भी इंक्रीज होगा, एक्सेसिव ब्लड फ्लो होगा बॉडी में। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट का एट्रियम पार्ट होता है वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक्स हार्मोन, सॉरी एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, जिसे हम ANF बोलते हैं, ANF सिक्रेट होता है, जो आ करके जो हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी ऑपरेटस एक्टिवेट था, रेनिन का सिक्रेशन कर रहा था, उसे ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से ना तो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो पाता है और ये पूरी प्रोसेस रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है नॉर्मल हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने इसमें देख लिया, वाटर का भी रेगुलेशन हो रहा है, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हो रहा है, मीन्स सोडियम का, और ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन हो रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।